हाँ भाई, क्या हाल है? तो बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही है रफ्तार वर्सेस एमिवे। मुझे नहीं पता था कि ये दोनों लोग कौन हैं, लेकिन अब मैंने थोड़ा बहुत देखा है तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये दोनों कौन हैं। आई हैड नो आइडिया कि इंडिया का रैप गेम इतना खतरनाक हुआ हुआ है कि अब डिस्ट्रैक्स चल रहे हैं और लोग आपस में एक दूसरे के साथ डिस्ट्रैक्स बना रहे हैं और म्यूजिक क्वालिटी इतनी ऊपर गई हुई है। सो आई प्लेड वन ऑफ द डिस्ट्रैक्स। मैंने पहले शुरू के 5-6 सेकंड सुने एंड आई गॉट टू से आई वाज हाईली इंप्रेस्ड। शुरू ही इतना खतरनाक हुआ कि मैंने पॉज किया, मैंने कहा भाई आई हैव टू वॉच दिस यू नो ऑन कैमरा, आई हैव टू डू अ रिएक्शन फॉर दिस। सो लेट्स गो एंड चेक आउट द वेरी फर्स्ट डिस्ट्रैक। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरी रिसर्च के मुताबिक एमिवे समझ में आया क्या? दैट्स द फर्स्ट डिस्ट्रैक्ट जो कि आया आफ्टर रफ्तार मेड सम कॉमेंट्स इन एन इंटरव्यू। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इनकी हिस्ट्री का, सो आई एम लर्निंग राइट नाउ। तो अगर मैं कुछ बेवकूफ़ बात करता हूँ या कोई गलत बात करता हूँ, सो प्लीज़ करेक्ट मी इन द कॉमेंट्स और बी नाइस। ओके बाय गाइज, लेट्स गो एंड चेक आउट समझ में आया क्या। ये वाला गाना नहीं, मैंने दूसरा सुना था, मैंने शेख चिल्ली खोला था जब मैंने खोला था, एंड दैट्स द इंटरव्यू जो चल रहा पीछे। ये दैट्स द इंटरव्यू। तो ये पैसे रख के बैठा सही मनेगे। ओके बीट इज सिक। मैं पहले बोलना भूल गया, जब शुरू से शुरू ही हुई थी, दैट्स अ गुड फकिंग बीट, really nice beat. let's keep watching. that's okay, so that was anyway समझ में आया क्या। जितना मुझे आप लोग बता सकते हैं प्लीज़ बताएं मुझे कमेंट्स में। आई रीड ऑल द कमेंट्स, सो आई वुड लव टू लर्न मोर अबाउट एमिवे, व्हाट ही हु ही इज, कहां से आया है, कैसे रैप गेम स्टार्ट किया इसने अपना। इट वाज गुड, अच्छा ट्रैक था। मैं ये नहीं कहूँगा इट वाज रियली गुड ट्रैक, सही ट्रैक था फॉर अ डिस ट्रैक, इट वॉज ओके आई गेस। कुछ लाइन्स बहुत फाड़ू थी, कुछ लाइन्स बहुत क्रिंजी थी, बट दैट्स हाउ रैप गोज आई थिंक। हर रैप, इंटरनेशनल रैप, देसी रैप, कुछ लाइन्स होती हैं बहुत क्रिंजी होती हैं आपके लेवल के हिसाब से, फिर कुछ लाइन्स होती हैं आप बोलते हो वो उसने तो फाड़ दी भाई। सो दैट्स ओके, दैट्स नॉर्मल फॉर एवरी रैपर। इट वॉज अ गुड डिस ट्रैक, इट वॉज इन द बेस्ट दैट आई हैव एवर हर्ड, बट आई एम श्योर क्योंकि दिस इज जस्ट द फर्स्ट वन। इसमें तो उसने अपना गुस्सा निकाला, फिर उसका रिप्लाई आया है, उसके बाद उसने भी रिप्लाई किया है। सो मुझे शेख चिल्ली सुनना है एक्चुअली। मैंने शेख चिल्ली का पहला पार्ट सुना 5-10 सेकंड्स एंड आई वॉज लाइक Damn, मैं बहुत इंप्रेस हुआ था। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिस्ट्रैक्ट एंड देन विल टॉक अबाउट ऑल द डिस्ट्रैक्ट्स।